लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। 20 नवंबर को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में डॉक्टरों की एक टीम ने दुनिया में अपनी तरह की पहली दुर्लभ मेडिकल उपलब्धि को हासिल किया, जिसके तहत एक लिविंग किडनी डोनर की किडनी में बढ़ते हुए ट्यूमर का इलाज किया गया। उसके बाद उसी किडनी को एक किडनी प्राप्तकर्ता में ट्रांसप्लांट किया गया। इस सर्जरी को जाने माने डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन, जो कि यूरोलॉजी किडनी ट्रांसप्लांट और रोबोटिक सर्जरी के सीनियर कंसल्टेंट हैं, उनके नेतृत्व में एक अनुभवी टीम ने किया। इस ऐतिहासिक सर्जरी के बारे में बोलते हुए डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन ने कहा कि ये रविंदर शर्मा जी जो पेशेंट थे, ये गुर्दे के फेलियर से ग्रसित थे, इनकी किडनी खराब हो चुकी थी और ये डायलिसिस पे थे। तो जब किसी की किडनी खराब होती है, उसके पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो किडनी ट्रांसप्लांट करा लें या डायलिसिस करा लें। लेकिन डायलिसिस में बहुत से पेशेंट्स टॉलरेट नहीं कर पाते अच्छी डायलिसिस, और डायलिसिस पे डिटोरिएट होते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो सदैव ही ट्रांसप्लांट एक बेटर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस। ट्रांसप्लांट के लिए एक किसी डोनर की ज़रूरत होती है जो किडनी दे सके, और साथ ही साथ उसका ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। तो रविंदर शर्मा जी की परिवार में कोई भी इनके ब्लड ग्रुप मैचिंग डोनर नहीं था, सिर्फ एक वाइफ थी जिनका ब्लड ग्रुप सेम था, ओ पॉजिटिव। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि इनकी वाइफ की किडनी में एक ट्यूमर था, एक रसौली थी करीब 4 सेंटीमीटर की, जिसकी वजह से ये मल्टीपल ट्रांसप्लांट सेंटर्स में रिजेक्ट हो चुके थे और इनका ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा था। जब ये हम लोगों के पास आए तो सिंस ही वॉज़ वेरी वीक एंड डायलिसिस टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा सिक हो गए थे, तो हम लोग के पास और कोई चारा नहीं था। और फिर हम लोग ने ये सोचा कि इनकी वाइफ की किडनी में जो ट्यूमर है, अल्टीमेटली बिकॉज उनको भी सर्जरी की ज़रूरत है और इनको भी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, फिर हम लोग ने सारे प्रोज एंड कॉन्स देखते हुए, केस को स्टडी करते हुए, हम लोग ने यह डिसीजन लिया कि वी विल रिमूव दैट ट्यूमर फ्रॉम द किडनी एंड देन उस किडनी को वापस से जोड़ के पेशेंट की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो ये जो ऑपरेशन हुआ, ये इसका बेसिस यही है कि इनकी किडनी को पहले हम लोग ने निकाला जिसमें ट्यूमर था, जो कि डोनर की किडनी थी। उसके बाद उस किडनी में से जो ट्यूमर का हिस्सा था उसको काट के निकाला और इस किडनी को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करके पेशेंट को लगा दिया। तो इस तरह के केसेस बहुत कम ही होते हैं लिटरेचर में। आमतौर पर किसी डोनर की किडनी में अगर ट्यूमर होता है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं और हम लोग कंसिडर नहीं करते, लेकिन इनके केस में चूंकि और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमें इस तरह की मेजर सर्जरी करनी पड़ी। और थैंकफुली उस सर्जरी के परिणाम अच्छे रहे, इनकी किडनी का फंक्शन अच्छा रहा और आज 4-5 महीने हो गए हैं, पेशेंट और डोनर दोनों ही पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और जो मैसेज हम सभी लोगों का है कि हमें ऐसे डोनर्स को भी कंसिडर करना चाहिए, या कोई ऐसे अगर परिवार हैं जिनके पास डोनर है किडनी देने वाला लेकिन उनकी किडनी में किसी तरह की बीमारी है और इसकी वजह से डोनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी आगे आना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए। और कई केसेस में हम लोग उसमें ऑपरेशन करके उसी को ट्रांसप्लांट करके सक्सेसफुल रिजल्ट्स पैदा कर सकते हैं। वो लगभग एक नॉर्मल ट्रांसप्लांट जितना ही खर्चा होता है, करीब 50-60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्चा होता है, बट अदरवाइज द एक्सपेंसेस आर से अराउंड 50,000 to 1 lakh मोर देन अ नॉर्मल ट्रांसप्लांट। जो किडनी खराब होने के सबसे प्रमुख कारण है वो है डायबिटीज़, जिसकी वजह से करीब 50-60% किडनी फेलियर होता है, फॉलोड बाई हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक किडनी, किडनी स्टोन्स, किडनी में इन्फेक्शंस, कई तरीके के ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होते हैं जिसकी वजह से किडनीज़ ख़राब होती हैं। इसके अलावा कई बार कुछ दवाएं होती हैं जो कि ड्रग्स हैं, एनाल्जेसिक्स हैं, प्रोटीन पाउडर्स हैं, कई किडनीज़ में इससे भी इफ़ेक्ट आता है, इससे भी किडनीज़ ख़राब होती हैं। और किडनी के जो आमतौर पर किडनी रोग के लक्षण बहुत ही सटल होते हैं और मरीज़ को इनिशियल स्टेज में पता नहीं चल पाता। जब तक किडनी रोगों का लक्षण मरीज़ों को पता चलता है तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है, और यूजुअली मोर देन 70-80% 90% किडनी डैमेज हो जाती है तब पेशेंट को पता चलता है। जो कॉमन लक्षण होते हैं जैसे कि पेशाब में झाग आना, जब पेशाब करे आदमी तो झाग बहुत ज़्यादा आए, आँखों के निचली आईलिड के नीचे सूजन आना, पैरों में सूजन आना, और कई बड़े नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, चलने पे थकाई लग जाना, हो सकता है चेहरे पे थोड़ी स्वेलिंग आए, पेशाब का कम आना। लेकिन जैसा मैंने बताया, ये सारे सिम्टम्स काफ़ी लेट स्टेजेस में आते हैं और जब तक ये सिम्टम आते हैं तब तक 90% किडनी डैमेज हो चुकी होती है। तो सिम्टम आना काफ़ी ख़राब बात है। जहाँ तक बचाव का सवाल है, किडनी डैमेज को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए हम एक क्रिएटिनिन का छोटा सा टेस्ट करा सकते हैं, जिसको कि अगर हम सही समय पे करा लें तो किडनी डिजीज़ अर्ली पता चल सकती है और काफ़ी हद तक उसका ट्रीटमेंट हो सकता है।
किडनी डिजीज से बचने के लिए एक तो नॉनवेज डाइट कम खानी चाहिए, जो सोडियम का इंटेक है वो कम होना चाहिए, ब्लड प्रेशर और शुगर का कंट्रोल अच्छा रखना चाहिए और एवरी 6 months to 1 year पे उसका चेकअप कराते रहना चाहिए। आई थिंक दीज आर द टिप्स बाय विच वी कैन प्रिवेंट किडनी डिजीज और मे बी इवन इफ इट अकर्स देन वी कैन स्टार्ट ट्रीटमेंट अर्ली। नेशनल बस के लिए बलविंदर आर्य की रिपोर्ट। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।